Hello and welcome. Today we are going to have a very quick discussion on software testing. So let's start. Software testing एक method है जहाँ पे हम ये ensure करते हैं कि जो product हम अपने customer को deliver कर रहे हैं वो एक defect free product है. ऐसा करने के लिए हम कुछ चीज़ों को check करते हैं before delivering the product. जैसे कि आप errors check करते हैं, gaps check करते हैं, मिसिंग रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं जो आपके कस्टमर ने आपको बताई थी. ये सारी चीज़ें चेक करके हम ये इंश्योर करते हैं कि कस्टमर को एक सही प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए. आगे बढ़ते हैं. सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर के कुछ एट्रीब्यूट्स पता होने ज़रूरी हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब है कि आपका कस्टमर आपके दिए हुए सॉफ्टवेयर पर कितने तरह से रिलाय कर सकता है, डिपेंड हो सकता है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अगर फ्यूचर में आपका कस्टमर आपसे कहता है कि मुझे दो नए फीचर्स ऐड करने हैं, तो क्या आप कम समय में, कम मेहनत में ये काम करने में कैपेबल हैं या नहीं. दिस इज नोन एज स्केलेबिलिटी. थर्ड इज पोर्टेबिलिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रोडक्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग एनवायरमेंट्स पे कितना एफिशिएंटली काम करने में कैपेबल है. नेक्स्ट इज़ रीयूजेबिलिटी, यानी आप अपने प्रोडक्ट को अलग अलग जगह रीयूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यानी आपका यूज़र उस सॉफ्टवेयर के फंक्शंस को, रिक्वायरमेंट्स को अलग अलग जगह पर रीयूज कर पाता है कि नहीं कर पाता है. एंड लास्ट इज़ यूजेबिलिटी, यानी जो प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा गया था वही प्रोडक्ट बना है या डिलीवर हुआ है, उसको उसी तरह से यूज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है. सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स जो एक सॉफ्टवेयर में होते हैं और इनके अगेंस्ट ही हम लोग सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं. आगे बढ़ते हैं. कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, जैसे कि फर्स्ट वन इज बग्स और एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड अर्ली. जल्दी हमारी एरर्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं, उनको जल्दी हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो एक अच्छा, एक सही प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को डिलीवर हो पाता है. सेकेंड इंपॉर्टेंस इज कि अगर एक प्रॉपरली टेस्टेड सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़र को डिलीवर करते हैं तो यूज़र को एक रिलायबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक हाई परफॉर्मेंस अचीव होती है बाय द गिवन सॉफ्टवेयर. कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, जैसे फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. कॉस्ट इफेक्टिव से हमारा मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं उसको हम लोगों ने सही समय पे टेस्ट कर लिया और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेजेस ही उन एरर्स को पता करा, सॉल्व करा और करेक्ट कर लिया. तो डेवलपमेंट फेजेस में जब भी हम लोग बग्स को या एरर्स को करेक्ट करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम लगती है कंपेयर टू जब वो एरर्स हमें यूज़र को डिलीवर करने के बाद पता चलती है. सेकेंड प्रॉपर्टीज़ या सेकेंड बेनिफिट इज़ प्रोडक्ट क्वालिटी. एक सॉफ्टवेयर टेस्टेड प्रोडक्ट जब हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट माना जाता है. थर्ड इज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अगर आपने एक प्रॉपरली टेस्टेड सॉफ्टवेयर यूज़र को डिलीवर किया है तो यूज़र का एक यूज़र एक्सपीरियंस, एक सेटिस्फेक्शन उसका ज़्यादा होता है और वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपके आपके ऊपर कि आप एक सही प्रोडक्ट डिलीवर करने में कैपेबल हैं. आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ द चार्ट जो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग विच इज़ डिवाइडेड मेजरली इनटू मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग. एंड फर्दर इस मैनुअल टेस्टिंग को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग. फर्दर इस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का हम दो मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जैसे कि फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में डिवाइड करेंगे. ऐसा चार्ट जो है इसको हम लोग आने वाले लेक्चर में इन्हीं सारी टेस्टिंग्स को डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड और वीडियो के साथ बने रहें, आगे देखते रहें कि हम लोग इन टेस्टिंग को डिटेल में कैसे समझते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. थैंक यू सो मच.